बच्चों, आज के सुविचार से हम हिंदी पीरियड की शुरुआत करते हैं। आज हम भीमराव की कमीज पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले आज का सुविचार, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। बच्चों, सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल परिश्रम से, कठिन मेहनत से, कड़ी मेहनत से ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विचार को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और भीमराव पाठ के प्रश्न उत्तर हम करेंगे। पाठ 3, भीमराव की कमीज, प्रश्न उत्तर। सबसे पहले देखिए रुई का पौधा। भीमराव की कमीज में उस पाठ में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि भीमराव की कमीज फट गई तो रुई के पौधे ने उससे पूछा, है ना, कि भाई तुम्हारी कमीज कहाँ गई भीमराव, है ना। तो ऐसा होता है बच्चों, रुई का पौधा इस तरह से रुई के पौधे से रुई निकाली जाती है ना। कपास का पौधा भी किसे कहते हैं। तो ये है रुई का पौधा। सबसे पहले सोचिए और बताइए, आपकी बुक में पेज नंबर 26 पर, है ना, सबसे पहले मौखिक पाठ से के प्रश्न है, सोचिए और बताइए। पहला प्रश्न है, क्या आपने रुई का पौधा देखा है, यदि हाँ तो वह कैसा होता है। उत्तर स्वयं करेंगे। अभी मैंने आपको रुई का पौधा दिखाया है, है ना, और किसी ने सच में देखा है तो जानता है कि कैसा होता है, तो यह उत्तर आप स्वयं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, इस चित्रकथा को पढ़कर आपको कैसा लगा और क्यों, यह भी आप स्वयं करेंगे इसका उत्तर भी, क्योंकि इस कहानी को पढ़कर, चित्रकथा को पढ़कर आपको कैसा लगा ये तो आप ही बता सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि आपको इस चित्रकथा को पढ़कर कैसा लगा और क्यों लगा, है ना, ये सारी जानकारी आप इसमें लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, भीम की कमीज कैसे तैयार हुई। इसका उत्तर है, भीम की कमीज रुई के पौधे, मकड़ी, चूहे, बया और गिलहरी ने मिलकर तैयार की। बच्चों ये देखो, इसके बाद रुई के पौधे से रुई लेकर भीमराव किसके पास गया, मकड़ी के पास। तो यह है मकड़ी का चित्र। अब इसमें देखिए मकड़ी जाला बना रही है ना, दिख रहे हैं ना धागे, इसमें ये मकड़ी धागे बुन बुन कर इस तरह से जाला बनाती है ना, धागा बना देती, पूरी कताई कर देती है वो। तो प्रश्न के उत्तर इसके बाद है, पेज नंबर 26 पर ही प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कमीज बनाने के लिए मकड़ी ने क्या किया। उत्तर, कमीज बनाने के लिए मकड़ी ने कताई करके कपड़ा बुना। क्या किया उसने, कि उसने रुई की कताई की और कपड़ा बुन डाला, है ना, जिस तरह से वो जाला बुनती है उसी तरह से उसने पूरा कपड़ा बुन डाला। दूसरा प्रश्न है, बया ने कमीज कैसे सिली। उत्तर, बया ने मकड़ी के जाल से धागा बनाया और अपनी चोंच से छेद बनाकर कमीज सिली। बया ने कैसे सिली थी कमीज, हम जानते हैं ना बया टेलर बर्ड होती है ना, उसे टेलर बर्ड कहते हैं, और ये अपना घोंसला बहुत सुंदर बनाती है ना, इतना सुंदर और आकर्षक होता है इसका घोंसला कि लोग अपने घरों में सजाने के लिए भी इसका घोंसला लगाते हैं, है ना। और बया चिड़िया ग्रुप में, समूह में घोंसले बनाती है, एक पेड़ पर कई सारी बया चिड़िया के घोंसले हम देख सकते हैं। और एक और विशेषता है कि बया चिड़िया जो होती है, बया चिड़िया का जो मेल बर्ड होता है वही घोंसले को बनाता है, और जो फीमेल बर्ड होती है बया, वो आकर उस घोंसले को देखती है कि कैसा बना है, मेरे बच्चे उसमें रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, है ना, ये सारी पूरी तरह से वो सेटिस्फाई होती है, फिर उस घर में, उस घोंसले में वो लोग रहते हैं। तो बया चिड़िया का घोंसला बहुत अनूठा, अनोखा और बहुत सुंदर, आकर्षक होता है। तो बया ने जब देखा कि कपड़ा उसका तैयार हो गया है, मकड़ी ने कताई करके कपड़ा बना दिया है, तो बया चिड़िया ने अपनी मकड़ी के जाल से धागा बनाया और अपनी चोंच से छेद बनाकर कमीज को सिल दिया। ये देखिए चूहा। अब इसके बाद भीमराव किसके पास जाता है, भीमराव चूहे के पास। गिलहरी ने कमीज पर डिजाइन कैसे बनाया।
गिलहरी ने फूलों से तरह तरह के रंग लिए, अपनी पूंछ की कूची बनाई और कमीज पर सुंदर डिजाइन बनाने लगी। गिलहरी ने क्या किया था कि कमीज पर उसने डिजाइन कैसे बनाया, फूलों से उसने रंग लिए है ना तरह तरह के, और अपनी पूंछ, जो गिलहरी की पूंछ होती है ना बहुत जबरीली सी होती है, ऐसी ब्रश जैसी होती है उसकी पूंछ, उस पूंछ की वह पूंछ का वह ब्रश बनाती है, कूची यानी ब्रश, और कमीज पर उसकी शर्ट पर सुंदर डिजाइन वो बना देती है। ये प्रश्नों के उत्तर हुए हैं, तीन प्रश्न आपके इसमें दिए गए हैं। इसके बाद ये देखिए, बया चिड़िया, ये है बया चिड़िया जो कि बहुत ही सुंदर घोंसला बनाती है ना, देखा हो आपने इस चिड़िया को कहीं, ये देखिए इसका ऐसी चिड़िया ये दिखाई देती है जो टेलर बर्ड होती है। अब पाठ से आगे के प्रश्न है, पेज नंबर 27 पर, मकड़ी क्या काम करती है? मकड़ी जाला बुनने का काम करती है। क्या काम करती है मकड़ी? जाला बनाती है। दूसरा प्रश्न इसमें दिया है, मिलजुल कर काम करने से क्या क्या फायदे हैं? मिलजुल कर काम करने से तो बच्चों बहुत फायदे हैं, है ना, अगर हम किसी काम को मिलकर करेंगे तो वह काम बहुत आसान हो जाता है और बहुत अच्छा भी होता है। तो उत्तर होगा, मिलजुल कर काम करने के बहुत फायदे हैं, कोई काम मिलकर करने से ही अच्छा होता है, मिलजुल कर काम करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। तो ये प्रश्न, आप जो प्रश्न मैंने यहाँ दिए हैं आपको लिखने के लिए, वो सारे प्रश्न आप अपनी कॉपी में करेंगे। ये देखिए, अब अंत में डिजाइन बनाने वाली गिलहरी है ना, ये गिलहरी है जिसने शर्ट पर, भीमराव की कमीज पर डिजाइन बनाई, देखिए इसकी पूंछ है ना ब्रश की तरह। तो गिलहरी ने फूलों से रंग लेकर, अलग अलग रंग लिए और अपनी पूंछ की कूंची बनाई, पूंछ का ब्रश बनाया और उसे भीमराव की कमीज पर लगा दिया, उस पर डिजाइन बना दी, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद कुछ अतिरिक्त प्रश्न है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, केवल दो क्वेश्चन है एक्स्ट्रा में, ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखना है। प्रश्न एक है, बया चिड़िया के घोंसले के बारे में दो वाक्य लिखिए। मैंने बताया ना उसका घोंसला कैसा होता है, तो आपको यहाँ पर दो वाक्य लिखना है। मैंने यहाँ जो दिए हैं उसके अलावा भी यदि आप बया चिड़िया के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। बया चिड़िया का घोंसला बहुत सुंदर होता है, यह चिड़िया समूह में घोंसले बनाती है, ग्रुप में, ठीक है। तो ये दो वाक्य मैंने लिखे हैं, लेकिन आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, अतिरिक्त प्रश्न में, भीमराव की कमीज बनने के सफर का सुंदर चित्र बनाइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें आपको मजा भी आएगा क्योंकि इसमें सारे चित्र बनाने हैं, है ना। कहां से उसकी कमीज बनना शुरू हुई? रुई के पौधे से लेकर गिलहरी तक, है ना, वन बाय वन स्टेप में आपको पूरी पूरा पिक्चर बताना है कि भीमराव की कमीज ऐसे तैयार हुई, उसे चित्रों के आधार पर आप बताएंगे। सबसे पहले बनाएंगे रुई का पौधा, फिर बनाएंगे रुई, रुई के पौधे से रुई ली, है ना, फिर बनाएंगे मकड़ी, फिर बनाएंगे चूहा, फिर बनाएंगे बया और फिर अंत में गिलहरी। इस तरह से इन सभी के चित्र आप बनाएंगे अपनी कॉपी में। तो ये सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है। एक्सरसाइज में जो दिए गए प्रश्न हैं वो आप कॉपी में नहीं करेंगे, वो केवल आप बुक में ही करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सारा वर्क आज आपको कॉपी में करना है, ठीक है बच्चों। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।